महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। वे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक मनसे प्रमुख उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते उनके अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराते हुए राज ठाकरे के पिता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बगैर माफी मांगे तो राज ठाकरे के पिता भी अयोध्या में नहीं आ सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने राज ठाकरे पर तंज कसना नहीं भूले। इस दौरान ही उनसे सवाल किया गया कि अगर 5 जून के बाद भी राज ठाकरे बिना माफी मांगे अयोध्या आते हैं तो आप क्या करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने राज ठाकरे के परिवार को भी घेर लिया इस बार तो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे से कोई हीरा नहीं मांगा है, सिर्फ जख्मों पर मरहम के तौर पर माफी मांगने के लिए कहा गया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज ठाकरे से कोई कोहिनूर का हीरा नहीं मांगा था, बस 2 शब्द मांगे थे जिनको पीटा है, मरहम लगा दो। इसके साथ ही ब्रजभूषण ने बताया कि वे 5 जून को 5,00,000 लोगों के साथ वह अयोध्या जा रहे हैं, ये बड़ी बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो राज ठाकरे भी ये संदेश जाएगा कि लोग मुझसे कितना ज्यादा गुस्सा है और ऐसे में वह माफी मांग सकते हैं। गौरतलब है कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर उनकी इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। माफी मांगो वरना घुसने नहीं दिया जाएगा, यही नारा है राज ठाकरे के खिलाफ ब्रजभूषण का। इसके साथ ही ब्रजभूषण ये भी साफ करते हैं कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है, पार्टी सबसे शामिल नहीं है। ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बयान है। अब देखते हैं कि इस मामले पर राज ठाकरे किस तरीके से जवाब देते हैं, किस तरीके से माफी मांगते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें चैनल के साथ, नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।